बंगाल में चुनाव नजदीक है, इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां हो रही हिंसा और सियासी बवाल। बुधवार को हावड़ा में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। तोड़फोड़ भी है और आगजनी भी, हंगामा भी है और कोहराम भी, सियासत भी है, साजिश भी है और सस्पेंस भी। तस्वीरें हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर की हैं। 10 से ज्यादा दुकानों और 4 बसों में तोड़फोड़ की गई, कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात को बेकाबू होते देख आरएएफ और कॉम्बैट फोर्स को उतारना पड़ा। बवाल शुरू हुआ टीएमसी के एक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद। 42 साल के धर्मेंद्र सिंह शाम के करीब 4 बजे अपने एक साथी को बिठाकर बाइक से घर जा रहे थे। शालीमार स्टेशन के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक पीछे से उनके करीब पहुंची और बाइक सवारों ने 5 राउंड गोलियां दाग दी। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया। हत्या किसने की, अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सियासत सरपट सुलगने लगी है। सूबे के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या को सियासी साजिश जरूर बता दिया। पुलिस इंक्वायरी कर रहे, पुलिस आगे इंक्वायरी करे बाहर करो, परवर्ती चिंता भावना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने बिना नाम लिए वार किया, तो बीजेपी ने नाम लेकर पलटवार किया और धर्मेंद्र सिंह की हत्या को आपसी गुटबाजी का नतीजा बता दिया। हम थोड़ा अरूप राय जी को याद दिलाना चाहते हैं कि लास्ट अगस्त 16 अगस्त भारतीय जनता पार्टी का नहीं, एक तृणमूल का ब्लड डोनेशन कैंप में, जहां पर यही धर्मेंद्र सिंह का पास से एक तो दूसरे का किसी का लाइसेंस प्राप्त रिवॉल्वर मिलता है और वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप में तृणमूल वाला इसी का धर्मेंद्र सिंह को मार के उसका मुंह से खून लेते हुए, तो हम लोग देखे हैं कि ये तृणमूल का गोष्ठी द्वंद है और ये गोष्ठी द्वंद का एक फल है। काहे कि ये तृणमूल लोग अपनों में लड़ाई कर रहे हैं और अपनों में लड़ाई करके ये उसी का फल है। हावड़ा से पहले नंदीग्राम में भी जमकर सियासी बवाल हुआ। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए बस से पहुंच रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और बस में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। केंद्र सरकार राज्य सरकार संगे टानाटानी चलते, प्रशासनिक ब्यापार, तो मन केंद्र सरकार जो पाठिए डेपुटेशन डेके जेते हबे, आज हक कल हक जेते ही हबे। से जन राज्य सरकार जी मन कर ट्रांसफार कर दिल प्रमोशन कर दिल हाथ बेचे उन्होंने सम्भव नहीं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे हत्या, हिंसा और हंगामा बढ़ता जाएगा। हावड़ा से वैद्यनाथ झा के साथ आज तक ब्यूरो।